ये हमारी स्वीडिश एनिमल है, हमारे पास 3 मंथ हो गए इनको हमारे पास आए हुए। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई हैं और ये से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इनकी प्रोडक्शन जो जा रही है वो बहुत अच्छी जा रही है। इसकी प्रोडक्शन जो फर्स्ट डे में 20 प्लस हो रही है। ऐसे एनिमल हैं और दिन ब दिन इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो वीक पे एनिमल है वो 45-46 पे जा रहे हैं। और आल एनिमल जो भी लोग इधर आ रहे हैं इस एनिमल को देखने के लिए वो इन्हें बहुत लाइक कर रहे हैं, बजाय के ऑस्ट्रेलियन हॉलस्टीन के इनको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। इनका टेम्परामेंट, इनकी प्रोडक्शन, इनका सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। इस वजह से ये एनिमल दूसरे एनिमल के हिसाब से बहुत बेहतर जा रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे फार्म पर काम किया जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं उनके हिसाब से हमें ये बहुत अच्छे एनिमल जो पीक पे जा रहे हैं और इनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इनके जो गाव्स हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनका वेट 30+ आ रहा है, 40+ आ रहा है, बहुत अच्छे। और फीमेल और मेल दोनों ही आ रहे हैं और इनकी इनको हम टोटल राशन दे रहे हैं TMR के नाम से, टोटल मिक्स राशन दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसे कुछ नहीं दे रहे और ग्रीन फोटर हम यूज़ नहीं करवा रहे, क्योंकि हमें इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और प्रोडक्शन लेवल अच्छी जा रही है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ब्रीडिंग प्लान है, अल्लाह ताला ख्याल करेगा उसको, हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा आता है। वो इसके हिसाब से एनिमल बहुत खूबसूरत है, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरे एनिमलों के हिसाब से, इसकी एवरेज, इसका टेम्परामेंट, इसका सारा बिल्कुल ओके है और प्रोडक्शन लेवल भी बिल्कुल अच्छी जा रही है। जैसे दूसरे एनिमल के जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं वो हमारे 20+, 25+, 30+ पे जाते हैं, ये एनिमल हमारे 46-47 पीक पे जा रहे हैं।
इससे ज़्यादा से हमें मेरे नज़र में देखने में यह है कि जितने एनिमल पे मैंने पहले काम किया है, स्क्वायर में किया है मैंने, उसके बाद हसीब वकास पे किया है, नेक्स्ट ईयर थर्ड फॉर्म है, इस पर आगे मैंने उन एनिमल में और इन में बहुत फ़र्क देखा है। हर हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, एनिमल के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सर बिल्कुल ये एनिमल बहुत ओके हैं। जितने फार्मर भी हैं जिन्होंने पास ऑस्ट्रेलियन एनिमल रखे हुए हैं, उन्होंने इन एनिमल को देखकर बहुत खुश हुए हैं और नेक्स्ट ख्वाहिश की है कि हम ये एनिमल चाहें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम उन एनिमल को बेचकर हम ये एनिमल लेना चाह रहे हैं, यानी मार्केट में भी बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये हमारा पहला कंट्रोल शेड बना है पाकिस्तान में, और जो बहुत अच्छे सिस्टम से एनवायरनमेंट इको टेम्परेचर हम इनका माशाल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ये एनिमल को कोई स्ट्रेस भी दे रहे हैं बड़ी आसानी, और मैनेजमेंट आसान कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 4 बंदे लेबर के हैं जिसने ये 4 एनिमल को संभाला हुआ है, नाइट वाला डाल के 4 बंदे मेरे पास, कोई उससे हम ये फार्म को चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिजीज़ हमारे फार्म पे अभी तक नहीं है, प्रिवेंटिव मेडिकेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और इससे हमें फर्स्टाइटस वगैरह और ऐसी जो आम होती हैं डिजीज़ हमें कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आसान तरीके से इसको इंशाल्लाह चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट डेयरी का लगाया है, इसमें आपने क्या महसूस किया कि आपने एक अपने नए इस नए सिलसिले में आए? जी भाई, मतलब कन्वेंशनल काम तो सारी दुनिया करती है, तो उसमें आपको पता ही जो कन्वेंशनल कामों में प्रॉफिट रेट भी वैसा ही होता है, तो वन शुड गो फॉर इनोवेशन। तो हमने तो थोड़ा स्टडी किया, कुछ दोस्तों से मशवरा किया, कुछ हमारे वो समीडा के हैं डॉक्टर दुरान साहब, उनके मशवरे से तो वी थॉट कि इसके लिए हमें जाना चाहिए। दो लोगों की नज़र में ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और शायद अयाशी थी, लेकिन सो फार सो गुड, मतलब जानवर अच्छे आए हैं, प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा है और ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स कम है, क्योंकि दो गाय के बराबर एक गाय दूध दे रही है और खा वो 1.5 के बराबर रही है, तो जाहिर है ये प्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं नहीं कुछ कहता कि हम बहुत कामयाब हैं, दिस इज स्टार्ट ऑफ बिजनेस, तो एक अगले एक साल में हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि कहाँ हम खड़े हैं, बट सो फार सो गुड, चीज़ें अच्छी हैं और ठीक जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में और कितनी ज़रूरत है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और लगाए जाएं? बस ये तो सर हमारा नया एक्सपेरिमेंट जो है ये लोगों के लिए आई ओपनर है, और वंस लोगों को इस पे बिलीव हो जाए कि ये तजर्बा कामयाब है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड सेटर है, हर बंदा इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, जो हाई यील्ड जानवर हैं, जो इम्पोर्टेड जानवर हैं, उनसे अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो आप उसको 45 डिग्री गर्मी में मार नहीं सकते, ना आप उसको मतलब उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, ना उससे रिप्रोडक्शन ले सकते हैं, तो यू विल हैव टू गो फॉर द कंट्रोल शेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप ये समझते हैं कि हमारे नए आने वालों के लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें कि उनको किस तरह इस काम को स्टार्ट लेना चाहिए और कैसे करना है? जी भाई, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कन्वेंशनल गायों से जिनकी प्रोडक्शन थोड़ी है निकल के आपने हाई प्रोडक्शन जानवरों की तरफ जाना है, तो शायद कंट्रोल शेड के अलावा मुमकिन नहीं है कि आप उसे प्रोडक्शन ले सकें, और उसको आप महंगा जानवर खरीद के ला के ज़ाया करेंगे, ना उसको रिप्रोडक्शन के काबिल होगा। आपने देखा है जानवर का बहुत लॉस हुआ है, जो माजी में ऑस्ट्रेलिया से जानवर आए, बहुत से आए, लेकिन उनको गर्मी में रख के आप लोगों ने मारा, तो उन्होंने काम मुकम्मल फेल ले रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म फेल हुए हैं। तो अगर कामयाबी लेनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट का बंदोबस्त करें, अगर आप पोल्ट्री के कंट्रोल शेड्स में गए ही हैं ना, तो जब जाने के बाद आपने देखा कि हर चीज़ सही जा रही है, तो लाइक वाइज मेरे ख्याल में दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, तो आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, सो गाइड।